एक अत्यंत विकट समस्या आन पड़ी है। मुझे याद है महाराज, जिस प्रकार दोनों महारानियों को सिंदूर पट चाहिए था, उसी प्रकार इस बार भी दोनों महारानियों को सीता माता का पात्र चाहिए, है ना? नहीं, उस समस्या का समाधान तो आपको निकालना ही है, किंतु एक और समस्या है। वो क्या महाराज? हमारी मूछे रामकृष्ण। आपकी मूछे? हाँ। अरे आपकी मूछे तो बहुत अच्छी है महाराज, इसमें क्या समस्या है? यही तो समस्या है कि मूछे हैं, अब मूछे कटवा ले तो भी समस्या है। हैं? पर इतनी अच्छी मूछे कटवानी क्यों है महाराज? मूछ नहीं तो कुछ नहीं। मूछ नहीं तो कुछ। ये आप कह रहे हैं पंडित रामकृष्ण? हाँ मैं। मैं तो आपके लिए बोल रहा था महाराज, मुझे तो आप जैसे महाबली राजाओं की शान है। किंतु उनके मुझे तो थी नहीं ना। हैं? किनकी? प्रभु श्री राम की। अब आप ही सोचिए पंडित रामकृष्णा, यदि राम भगवान की मुझे होती तो कैसे दिखते हो? हाँ महाराज, आपका चिंतित होना उचित है। और हम मुझे कटवा भी तो नहीं सकते हैं महाराज, कृष्णदेव राय बिना मूछों के कैसे लगेंगे? नहीं 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 नहीं, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता, परंतु अब आप क्या करेंगे महाराज? हम नहीं पंडित रामकृष्ण, आप क्या करेंगे? मैं? हाँ आप पंडित रामकृष्ण, आप ही को इस समस्या का समाधान निकालना होगा, और समाधान ऐसा हो कि जब हम श्री राम हो तब हम मूछों के रहित हो, और जब हम कृष्णदेव राय बनकर दरबार में जाए तो मूछों के सहित हो। ठीक है महाराज, ये तो अत्यंत गंभीर समस्या है, कुछ समय दीजिए इसका निवारण करने के लिए। कुछ की परिभाषा क्या है पंडित? महाराज की जय। महाराज कहिए। महाराज वो रामलीला मंडली वाले जो यहाँ आने वाले थे, जो बाढ़ में फंस गए थे, उनके यहाँ से सूचना आई है। क्या वो लोग विजयनगर पहुँच गए? नहीं महाराज, परंतु उनके निर्देशक गुरु प्रसाद जी पधारे हैं। परंतु वो बाढ़ से बचकर कैसे आ गए? वो कुछ दिन पूर्व निकले थे, इसीलिए बाढ़ से बचकर यहाँ आ गए। रामा, तेरा भाग्य ईश्वर ने ना जाने कौन सी घड़ी में लिखा है, ये निर्देशक पहले आ जाते तो तुझे वानर नहीं बनना पड़ता, और शारदा को भी कोई ना कोई पात्र मिल ही जाता जो आचार्य ने जान बुझ कर नहीं दिया। हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमें रामलीला में कोई पात्र नहीं मिला, हम भोजन नहीं बनाए, और पता नहीं कब। बंधु सही कहते हैं, ईश्वर जो करते हैं भले के लिए करते हैं। मैं समझा नहीं। बस इतना समझ ले कि अब शारदा भी रामलीला करेगी और सब पुनः ठीक हो जाएगा। पुनः क्या ठीक हो जाएगा पंडित रामकृष्ण? रामलीला महाराज, रामलीला। मैं ये कह रहा था कि अब जब असल निर्देशक आ ही गए हैं तो रामलीला बहुत अच्छी होगी, मेरे विचार से तो गुरु प्रसाद जी को ही निर्देशक नियुक्त कर देना चाहिए महाराज। किंतु हमने तो आचार्य वर को निर्देशक नियुक्त किया है। हाँ पर तब तक गुरु प्रसाद जी आए नहीं थे ना? जी महाराज, गुरु प्रसाद जी बहुत ही प्रसिद्ध निर्देशक हैं। हाँ स्वभाव से थोड़े विचित्र और कठोर हैं, परंतु गुरुवर क्षमा करें महाराज, परंतु आचार्य से तो किसी ने पूछा ही नहीं, और आचार्य बेचारे इतने भोले हैं कि अपनी विनम्रता के कारण विरोध भी नहीं कर पाए, हमें उनकी विनम्रता का लाभ नहीं उठाना चाहिए महाराज। आप कहना क्या चाहते हैं रामकृष्ण? महाराज आचार्य राजपुरोहित हैं, उनका एक पद है, महत्व है, कि रामलीला का निर्देशन तो उनकी तुलना में तुच्छ पदभार है महाराज। महाराज राजपुरोहित होने के कारण आचार्य पर वैसे ही बहुत कार्यभार है, और अब जब असल निर्देशक आ ही गए हैं तो आचार्य को रामलीला के इस निर्देशन के तनाव से मुक्त कर देना चाहिए। पंडित रामकृष्ण बिल्कुल उचित बात कर रहे हैं महाराज। उचित? तो अब ये रामलीला का निर्देशन गुरु प्रसाद जी ही करेंगे, हम गुरुवर को निर्देशक के कार्यभार के तनाव से मुक्त करते हैं। इस रसायन को बेर पर छिड़कना है, प्रातः काल तक ये सूख जाएगा और किसी को संदेह नहीं होगा।
महाराज कृष्ण देव राय शबरी के दृश्य में इनको खाएंगे तो उन्हें कोई बचा नहीं पाएगा। शारदा, शारदा, भोजन दे दो, बहुत भूख लग रही है। भिक्षा तो मांग रहा है लामा। भिक्षा कौन मांग रहा है? मेरा घर है, अधिकार पूर्वक भोजन मांग रहा हूँ। ले, चने खा। क्यों? मैं कोई घोड़ा हूँ जो चने खाऊंगा? तू खा। यही है भोजन, शारदा हम चन पर बैठी है। अरे हाँ, लाइ दस। मैंने तो उतना ही दिया अम्मा, रामा ने चने मंगवाए थे। ए, झूठा झूठा झूठा, अम्मा मैंने नहीं मंगाए, मैंने नहीं मंगाए। शारदा, बहुत भूख लग रही है, तुम क्यों सबको व्यथित कर रही हो? उठा लो। क्या? जो खाने को मिलता है उठा लो, हम खाना नहीं बनाने वाले। तुम्हें मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है ना? हाँ, आपको तो हमारी बहुत चिंता है, खुद तो वानर बन गए। वानर? हाँ, रामलीला में। अच्छा रामलीला, अरे रामलीला में तो तुम्हें भी भाग लेना है। बिना पात्र के? नहीं नहीं, तुम्हारे कारण तो मैंने पूरा का पूरा निर्देशक बदलवा दिया। हाँ, सच कह रहे हैं? हाँ शारदा, एक नया निर्देशक आने वाला है जो अवश्य तुम्हें एक अच्छा पात्र देगा। खीर पूरी खाएंगे? हाँ अवश्य खाऊंगा। उठा लो। क्या? खीर पूरी? नहीं, वो पानी का लोटा उठा लो, उठाकर हाथ मुंह धो लो, हम खीर पूरी लेकर आते हैं। आज तो हम आपको स्वयं अपने हाथों से खिलाएंगे। हाँ, जल्दी लो, जल्दी लो। क्या गुरु तथाचार्य अब नहीं रहे? क्या? हे प्रभु, ये कब हुआ? कल रात्रि तो भेंट हुई थी, बिल्कुल स्वस्थ थे। मेरे कहने का तात्पर्य है गुरु तथाचार्य अब निर्देशक नहीं रहे। आचार्य अब निर्देशक नहीं रहे, गुरु प्रसाद जी को निर्देशक नियुक्त किया गया है, बस अभी पधारने वाले ही होंगे। आचार्य प्रसन्न हुए, अति प्रसन्न हुए ये देखकर कि आप सभी हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा है, आपके निर्देशक का प्रथम आदेश हमारे निकट आइए। आप सभी हमारे निकट आइए। आइए। अभ्यास प्रारंभ करना है, आदेश का पालन हो। आचार्य, आपको निर्देशन के कार्यभार संभालने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? निर्देशन अब तुम करोगे हैं? हमारी रामलीला के वानर, वो भी अंतिम वाले। नहीं आचार्य, वो क्या है कि महाराज ने गुरु प्रसाद जी को नया निर्देशक बना दिया है। गुरु जी, महाराज ने तो बिन बादशाह के यहाँ पर बिजली गिरा दी। इसे कहते हैं सिर मुंडवाते ही ओले पड़े। इसे पकड़ो। जी गुरु जी। हम ऐसा नहीं होने देंगे, यदि वो गुरु है तो हम महागुरु। हाँ, आप तो गुरु घंटाल हैं, वो छोटी आंधी तो आप भूचाल हैं। पर अब वो निर्देशक और आप कंगाल हैं। हम निर्देशक थे, हैं और रहेंगे। आप किंचित भी चिंतित ना हो सौदामिनी जी, हम आपको व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण देंगे और आपका अभिनय सर्वश्रेष्ठ होगा। किंतु अब आपसे प्रशिक्षण लेकर हमें क्या लाभ? अब तो नए निर्देशक के निर्देशों पर ही हमें नृत्य करना होगा। आप केवल हमारे निर्देशन में ही नृत्य करेंगे, अर्थात अभिनय करेंगे। निर्देशक हमें आने दो उस गुरु प्रसाद को, हम भी बताते हैं उसे कि हम कौन हैं, क्या करते हैं हम। आचार्य कृपया वहां ना बैठे, वो तो निर्देशक का स्थान है ना। हम जैसे लोकप्रिय महाज्ञानी प्रकांड पंडित के समक्ष उस गुरु का अस्तित्व ही क्या है? सोच ले आचार्य, जो करना है विचार करके करें, ऐसा ना हो कि अभ्यास करने से भी वंचित रह जाए। संभाल के आचार्य, महाराज की आज्ञा के उल्लंघन के दोष परिणाम हो सकते हैं। आचार्य
एक महान निर्देशक को आसन की क्या आवश्यकता है? आचार्य, महाराज आपको अभिनय करते हुए देखना चाहते हैं। हाँ? अच्छा अच्छा तो आप है वो वानर सेना जिससे हमने रामलीला करवानी है। गुरुवर, वो एक टोको टोको मत टोको मत। हाँ। हम बोल रहे हैं ना। हाँ। रामलीला करना एक महान कार्य है और रामलीला का निर्देशन उससे महान कार्य है। हाँ। मत। सर्वप्रथम आपको अपने आप को अपने गुरु को समर्पित करना होगा। तत्पश्चात अपने अंदर अभिनय की आग को प्रज्वलित करना होगा। हाँ ठीक है ठीक है। सर्वप्रथम ये बताइए, हाथ आगे कीजिए। हैं? हाथ आगे करो। अच्छा, आप हस्तरेखा देखकर भविष्य भी बताते हैं। बताइए। टोकना मत। जब गुरु बोल रहा हो तो टोकना मत। हम पर प्रहार। जानते हो हम कौन है? हम है राजपुरोहित, राजपुरोहित तथाचार्य। साहस है तो पुनः छड़ी का प्रहार करके दिखाइए, दिखाइए, दिखाइए। यहाँ रामलीला के निर्देशक हम हैं और ये हमारा कार्यक्षेत्र है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की उदंडता वर्जित है। यह गुरु या महागुरु, सब हम हैं। गुरुजी, आपने ही तो कहा था गुरुजी का हमेशा सम्मान करना चाहिए। आज के ये हमारे गुरु हैं। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। अच्छा, आचार्य ने ऐसा कहा था? हाँ। हमने कहा? सैकड़ों बार तो कहा है, ऐसा ही कहकर तो हमसे अपना सम्मान करवाते हैं। कितने उच्च विचार हैं आपके गुरुजी। स्वयं इतने बड़े गुरु होकर भी आप माननीय गुरु प्रसाद जी की आज्ञा का पालन करेंगे, इनका सम्मान करेंगे। देखिए तो सर्वप्रथम पात्रों का विवरण होगा, तत्पश्चात अभ्यास आरंभ करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को संवाद दिया जाएगा और उसी के आधार पर पात्रों का चयन होगा। उचित है गुरुवर। परंतु पात्रों का चयन तो हो चुका है। कुछ कहा आपने? नहीं, हमने क्या कहा? कुछ नहीं कहा। हाँ, हम तो कह रहे थे जैसा आप उचित समझें ऐसा करें। उचित। आप आगे आइए। सबसे पहले आप उच्चारण करेंगे संवाद का। आचार्य, मैं तो एक वानर का पात्र निभा रहा हूं, मेरे तो कोई संवाद ही नहीं है। हाथ आगे करो, आगे करो। दो। संवाद बोलने को कहा गया है तो केवल संवाद बोलो, उसके अलावा कुछ नहीं। संवाद है पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता। पके पेड़ पे पका पपीता, पकीता पपीता। ठीक से उच्चारण करो। एक क्षण, एक क्षण।
पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ पे। अद्भुत। किस मूर्ख ने तुम्हें वानर का पात्र दिया? भूलिता ही विसारधु, अर्थात जो व्यतीत हो चुका है उसे बिसरा देना ही बुद्धिमता है, है? अब गुरुजी जो पात्र आपको दे रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करो। हमा कृष्णा, तुम अत्यंत स्पष्ट बोलते हो। अरे तुम्हें तो श्री हनुमान जी का पात्र मिलना चाहिए, है? है। सीधे हनुमान टोको मत, और यदि बीच में बोलना है तो हाथ आगे करके बोला करो। देखा मनी, ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। जितने तमाचे इस बुड्ढे ने मेरी गाल पे मारे हैं ना, उतनी छड़ी से पड़ेगी, तब जाके पता चलेगा पीड़ा क्या होती है। मैं अंधा दू? ये बारा क्या बोल रहा है? गुरुजी वो ये कह रहा है कि मैं अंगद हूँ। अच्छा अच्छा, इसकी तो भाषा ही ऐसी है। ये ऐसा अंगद है जिसकी भाषा राक्षस तो क्या वानर भी नहीं समझ पाएंगे। तुम संवाद बोलो। पके पेल पतिता, पता पतिता, पता पेल। हाथ आगे करो। क्षमा कर दीजिए गुरुजी, बालक है। अच्छा, क्षमा, क्षमा किया, अब इसका दंड तुम्हें मिलेगा। हाथ आगे करो। इतना तोल देती हूँ माला, मैंने गलती की थी ना, उत्तोती हूँ माला। त्रुटि करोगे तो दुगना दंड मिलेगा। मुझे लामलीला नहीं डाली, मैंने सही बोला था, आपसे गलत समझा था, मैं यहाँ फिर से कभी नहीं आऊंगा। अरे गुंडप्पे, सुन तो, गुंडप्पे। अभी पपीता पका पे पके पेड़ का पका पपीता नहीं पपीता पका पेड़ पका पपी पके पेड़ का पका पपीता। हाथ आगे करो। इन्हें दंड मत दीजिए, इन्हें हम प्रशिक्षण देंगे। कितने कोमल हैं आपके हाथ, आप कितनी रूपवती हैं, आप तो किसी को भी मोहित कर सकते हैं। कोई दुष्ट ही होगा जो इन पर प्रहार करेगा। आपको हम सुरूप नखा का पात्र देंगे। आप ही हैं जो श्री राम और श्री लक्ष्मण को अपने सौंदर्य से मोहित कर सकेंगी। आप संवाद बोलो। आइयो। अरे हाथ नहीं, मुख।
अपने मुख से संवाद बोलो। अवश्य अवश्य, हम तो कंठस्थ हैं। पके पेड़ का पका पपीता, पका पेड़। रुको रुको रुको, आपके लिए संवाद बदल दिया गया है, आपके लिए दूसरा संवाद है। डमरू बाजे डम डम, ढोलक बाजे ढम ढम, जब डमरू और ढोलक मिले तो ढम ढम डम ढम डम ढम डम ढम। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.